क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 5.3 क्लास 11 से लिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पर जो है हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है और इसके जो है ए बी सी की वैल्यू निकालनी है कोफिशियंट्स की। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है 1 वो ए के इक्वल होगा और एक्स का कोफिशियंट माइनस 1 वो बी के इक्वल है और कांस्टेंट टर्म 2 जो है वो सी के इक्वल है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लिख देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में a, b और c की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो b की जगह माइनस 1 रखा और इधर माइनस 1 का अंडर रूट के नीचे b की वजह से स्क्वायर हो गया और माइनस में 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 लिख दी और जो है हमने नीचे अपॉन में 2 लिख के a की वैल्यू 1 लिख देते हैं। तो माइनस इंटू में माइनस 1 हो गया प्लस का 1 और यहाँ पर जो है प्लस माइनस ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस 4 इंटू 2 माइनस के 8 हो गए, नीचे 2 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास आया 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 हो गया और माइनस के 7, तो ये अपॉन में 2 और माइनस 7 जो है रूट 7 आयोटा बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आया 1 प्लस माइनस रूट 7 आयोटा अपॉन में 2। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस का साइन लेंगे तो हमारे दो इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस रूट 7 आयोटा और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस में रूट 7 आयोटा अपॉन में 2। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल द मैथ्स गुरुदेव को सब्सक्राइब जरूर करें।